हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज। आज है 20th ऑफ मई। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच इंस्टीट्यूट डिस्कवर्ड एन इको फ्रेंडली सॉल्यूशन फॉर ट्रीटिंग मडी रिवर वाटर। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में किस संस्थान ने गंदे नदी जल के उपचार के लिए पर्यावरण अनुकूल समाधान खोजा है? आपके ऑप्शंस हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च भोपाल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी विशाखापट्टनम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु या फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर। आपको बताना है कि इस समाधान की जो खोज है वो किस संस्था के द्वारा की गई है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ये जो समाधान है निकाला गया है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी विशाखापट्टनम की द्वारा। आप यहाँ देख सकते हैं, सो द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी इन विशाखापट्टनम इन कोलेबोरेशन विद द अदर रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैज रिसेंटली डिस्कवर्ड एन इको फ्रेंडली सॉल्यूशन फॉर ट्रीटिंग मडी रिवर वाटर एंड द सोल्यूशन इज कॉल्ड सर्फेस मोडिफिकेशन टेक्निक ऑफ मेम्ब्रेन। सो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी की बात करें तो इट इज एन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस और इसकी स्थापना की गई है 2016 में इन आंध्र प्रदेश। इसके साथ ही वर्तमान समय में इसके प्रेसिडेंट की बात करें तो वो हैं पारितोष के बानिक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द वेटेज ऑफ फूड इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज हायर देन दैट इन होलसेल प्राइस इंडेक्स। एंड सेकेंड, द WPI डज नॉट कैप्चर चेंजेस इन द प्राइजेज ऑफ सर्विसेज विच CPI डज। एंड थर्ड, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज नाउ अडॉप्टेड WPI एज इट्स की मेजर ऑफ इन्फ्लेशन एंड टू डिसाइड ऑन चेंजिंग द की पॉलिसी रेट्स। तो यहाँ पर आपको बताना है कि WPI और CPI से संबंधित यहाँ पे कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है जबकि थर्ड इनकरेक्ट है। आप यहाँ देख सकते हैं, सो इंडियाज होलसेल प्राइस इंडेक्स बेस्ड इन्फ्लेशन सर्ज टू अ 13 मंथ्स हाई ऑफ 1.2% अप फ्रॉम 0.5% ड्राइवन प्राइमरली बाय इंक्रीज इन द फूड एंड फ्यूल प्राइसेस। सो WPI की बात करें तो ये एक इकोनॉमिक इंडिकेटर है जो कि मेजर करता है द एवरेज चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एट द होलसेल लेवल और बिफोर देर इज द रिटेल लेबल। सो RBI की बात करें तो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर रघुराम राजन इन 2014 अनाउंस्ड दैट द सेंट्रल बैंक हैड अडॉप्टेड द न्यू CPI एज द की मेजर ऑफ इन्फ्लेशन, जबकि आपके ऑप्शन में WPI की बात की गई थी। यहां पर आप WPI और CPI का कंपैरिजन देख सकते हैं। होलसेल प्राइस इंडेक्स में केवल गुड्स को इंक्लूड किया जाता है जबकि CPI में गुड्स और सर्विसेज दोनों इंक्लूड होते हैं। आप यहां से देख सकते हैं कि इनकी फोकस एरियाज क्या हैं और किसके द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नरेश चंद्र कमेटी एंड सेकतकर कमेटी इज इन न्यूज रिसेंटली, सो इट इज रिलेटेड टू विच ऑफ दीज फील्ड्स। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में समाचारों में नरेश चंद्र समिति और सेकतकर समिति रही है। आपको बताना है कि इन समितियों का संबंध निम्नलिखित में से किन क्षेत्र से है। आपके ऑप्शंस हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया, एजुकेशन पॉलिसी रिफॉर्म्स, डिफेंस एंड सिक्योरिटी रिफॉर्म्स इन इंडिया या फिर इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो इन दोनों ही समितियों का संबंध रहा है डिफेंस एंड सिक्योरिटी रिफॉर्म्स इन इंडिया से। आप यहां देख सकते हैं,
कारगिल रिव्यू कमिटी एंड अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स आफ्टर 1999 कारगिल बैटल हाईलाइटेड द नेसेसिटी फॉर अ यूनिफाइड वॉर फाइटिंग अप्रोच. सो नरेश चंद्र कमिटी एडवोकेटेड स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द हायर डिफेंस मैनेजमेंट. इसके साथ ही सिकतकर कमिटी की बात करें तो इसको लीड किया था लेफ्टिनेंट जनरल डीबी सिकतकर ने, एंड ही रिकमेंडेड द क्रिएशन ऑफ सीडीएस पोस्ट एंड थिएटर कमांड्स इम्फेसाइजिंग यूनिफाइड प्लानिंग. तो आप ध्यान रखेंगे नरेश चंद्र कमेटी और सेकतकर कमेटी, इन दोनों का ही संबंध डिफेंस से है. सेकतकर कमेटी की बात करें तो इसको फॉर्म किया गया था 2015 में और फाइनली रिपोर्ट सबमिट की गई थी दिसंबर 2016 में. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. विद रेफरेंस टू द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. यहां पर अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है. फर्स्ट स्टेटमेंट है, कजाकिस्तान इज नॉट अ मेंबर कंट्री ऑफ आईएनएसटीसी. एंड सेकेंड, मुंबई पोर्ट सर्व्स एज अ सिग्निफिकेंट एंट्री पॉइंट फॉर द आईएनएसटीसी इन इंडिया. एंड थर्ड, एयर ट्रांसपोर्टेशन मोड्स आर इंटीग्रेटेड इनटू द आईएनएसटीसी. और यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से संबंधित कौन से कथन सही हैं. इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए. यहां पर केवल सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है जबकि फर्स्ट और थर्ड इनकरेक्ट हैं. आप यहां देख सकते हैं, सो कजाकिस्तान इज द मेंबर कंट्री ऑफ आईएनएसटीसी एंड द आईएनएसटीसी प्राइमरली इन्वॉल्व्स मल्टी मोडल ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूडिंग शिप, रेल एंड रोड बट नॉट एयर ट्रांसपोर्टेशन. एंड मुंबई इज अ क्रूशियल एंट्री पॉइंट फॉर आईएनएसटीसी रूट इन इंडिया. आप यहां मैप में देख सकते हैं. सो आईएनएसटीसी की बात करें तो ये 7200 किलोमीटर लॉन्ग मल्टी मोड नेटवर्क है शिप्स का, रेल्स का एंड रोड रूट फॉर मूविंग फ्रेट बिटवीन इंडिया, ईरान, अजरबैजान, रशिया, सेंट्रल एशिया एंड यूरोप. सो द रूट प्राइमरली इन्वॉल्व्स मूविंग फ्रेट फ्रॉम इंडिया, ईरान, अजरबैजान एंड द रशियन फेडरेशन वाया शिप, रेल एंड रोड. आप यहां ध्यान देंगे कि यहाँ पे एयर ट्रांसपोर्टेशन की बात नहीं की गई है. एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कॉरिडोर इज टू इंक्रीज ट्रेड कनेक्टिविटी बिटवीन द मेजर सिटीज सच एज मुंबई, मॉस्को, तेहरान, बाकू, बंदर अब्बास, अस्त्राखान, बंदर एंड अंजाली एक्सेट्रा. सो ये मेजर सिटीज हैं जिनसे कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जाएगा. इसके साथ ही आईएनएसटीसी की बात करें तो इसका जो नॉर्थ एंड है वो होगा मॉस्को रशिया में और इसका साउथ एंड मुंबई में होगा. मेजरली जो कंट्रीज इससे रिलेटेड हैं वो हैं अजरबैजान, इंडिया, ईरान, रशिया और कजाकिस्तान. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. एज पर द लेटेस्ट रिपोर्ट ऑफ इसरो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. अभी हाल ही में इसरो की एक रिपोर्ट आई है जिसमें बहुत सारे नए टारगेट सेट किए गए हैं, उनसे संबंधित कुछ कथन है जिन पर आपको विचार करना है. फर्स्ट स्टेटमेंट है, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ चंद्रयान 4 इज टू कलेक्ट लूनर सैंपल्स एंड ब्रिंग देम बैक टू अर्थ फॉर डिटेल्ड साइंटिफिक एनालिसिस. सेकेंड, द मिशन लाइफ ऑफ चंद्रयान 4 विल बी 14 लूनर डेज एज पर द इसरो. एंड थर्ड, एज पर द इसरो चीफ एस सोमनाथ, चंद्रयान 4 विल लैंड ऑन द मून इन 2040 विद इंडियाज एस्पिरेशन ऑफ लैंडिंग एन एस्ट्रोनॉट. सो आपको बताना है कि इसरो की लेटेस्ट रिपोर्ट से संबंधित यहां जो भी कथन दिए गए हैं इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी. यहां पर फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है जबकि सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. आप यहां देख सकते हैं,
सो चंद्रयान 4 इसरोज नेक्स्ट मून मिशन इज सेट टू लैंड नियर द शिव शक्ति पॉइंट ऑन द मून सरफेस वेयर चंद्रयान 3 लैंडेड प्रीवियसली, और इसका टारगेट ईयर है 2040। एंड द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ चंद्रयान 4 इज टू कलेक्ट लूनर सैंपल्स एंड ब्रिंग देम बैक टू अर्थ फॉर डिटेल्ड साइंटिफिक एनालिसिस, पोटेंशियली मेकिंग इंडिया द फोर्थ नेशन टू अचीव दिस फीट आफ्टर यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया एंड चाइना। सो चंद्रयान 4 की बात कर रहे हैं तो इट विल हैव एन ऑपरेशनल लाइफ ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1 लूनर डे, नॉट 14 लूनर डे, जो कि इक्वल होता है 14 अर्थ डे के। ड्यू टू हार्श लूनर सरफेस कंडीशंस सच एज एक्सट्रीम टेम्परेचर वेरिएशंस एंड लैक ऑफ सनलाइट ड्यूरिंग द लूनर नाइट। तो आप ध्यान रखेंगे भारत की तरफ से जो चंद्रयान 4 मिशन है उसका टारगेट ईयर दिया गया है 2040। सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।